And welcome back to SK1 Akis and we are back again with another video of mine and aaj hum log after we have done constraints and generalized coordinates we know what these two mean aaj hum log finally principle of virtual work and D'Alembert's principle kar sakte hain and from D'Alembert's principle now here consider this D'Alembert's principle basically ek generalization hai principle of virtual work ke which we'll be dealing with first एंड इसी प्रिंसिपल का D'Alembert's प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग न्यूटन्स लॉज के थ्रू विच रियली इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ जस्ट इन अनदर फॉर्म तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में मे बी Lagrange's इक्वेशंस फाइनली डिराइव करेंगे विल ऑल्सो सी इन अनदर वीडियो कि कैसे Lagrange's इक्वेशंस डिराइव हो सकते फ्रॉम Hamilton's प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फॉलो दिस अप्रोच कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कैसे Lagrange's इक्वेशन डराइव हो सकती है नाउ अ लिटिल रिमार्क ऑन दिस वी आर रियली फॉलोइंग दिस अप्रोच कि हम लोग न्यूटन्स लॉज को यूज़ करें Lagrange's इक्वेशन डिराइव करने के लिए इवन दो Lagrangian मैकेनिक्स एक इंडिपेंडेंट आप मैकेनिक्स कह सकते हो ऑल्दो इट इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स जो कि Lagrangian मैकेनिक्स की एक मॉडिफिकेशन है वो भी इन दोनों के इक्विवेलेंट है एंड येट हम लोग इस इन लॉज को यूज़ करें Lagrange's इक्वेशन जो कि बेसिकली वो इक्वेशंस हैं जिनसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल की किसी भी सिस्टम के फाइंड करते हो यूजिंग Lagrangian मैकेनिक्स द Lagrangian फॉर्मलिज्म तो हम लोग ऐसा क्यों करें कि न्यूटन्स लॉज इस मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लिए एंड इस मैकेनिक्स को डेवलप करें वेल द थिंग इज कि हिस्टोरिकली इसे ऐसा ही किया गया था सो इट वॉज Lagrange आई थिंक आई एम गेसिंग इट वॉज Lagrange ओनली हु डिड दिस कि हिस्टोरिकली दिस वॉज हाउ द Lagrange's इक्वेशंस वर फर्स्ट डिराइव्ड न्यूटनियन मैकेनिक्स है हमारे पास लेकिन मान लो सिंस इट इज़ अ वेक्टोरियल मैकेनिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव द टॉपिक असाइड आई विल टेल यू अ लिटिल ओवर दिस ओनली सो न्यूटनियन मैकेनिक्स इज वॉट यू कॉल अ वेक्टोरियल मैकेनिक्स ऑलराइट क्योंकि आपके वेक्टर्स को यूज करता है टू रियली रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन राइट दो Lagrange's इक्वेशंस आर ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं Lagrangian मैकेनिक्स इज वॉट यू कॉल एन एनालिटिकल मैकेनिक्स हियर इट इन्वॉल्व प्योरली स्केलर क्वांटिटीज नेमली एनर्जी स्पेसिफिकली ऑलराइट तो अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं दे आर रियली टफ टू डील विद कंसिडरिंग यू हैव टू डील विद थ्री नंबर्स इंस्टेड ऑफ वन जनरली स्पीकिंग थ्री नंबर्स क्योंकि वी हैव थ्री डायमेंशंस राइट एंड अगर कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना हो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट वेक्टर्स को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सो वी वेक्टर्स आर रियली टफ टू डील विथ तो अगर हमारे पास एक ऐसी फॉर्मलिज्म हो जो कि प्योरली स्केलर्स एनर्जीज के टर्म्स में हो क्योंकि फोर्स को सीधे रिप्लेस कर सकती है एनर्जी फोर्सेस द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी राइट फोर्सेस को एनर्जीज रिप्लेस कर सकती हैं एक्सेलरेशन हाउ डू यू रियली स्पीक ऑफ दैट वेल यू कैन से कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और एनीथिंग सच और इवन दो एक्सेलरेशन हो सकता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है बट वी कैन इवन कंसिडर दैट इन टू अवर सिस्टम All right, using energy will shortly be seeing how or maybe of course in the next few videos. तो यहाँ पे vectors are really tough to deal with. तो अगर हम लोग purely scalars के साथ work कर सकते हैं it will be lot easier to solve for complicated systems. अगर हमें complicated systems solve करना हो so something like the double pendulum which is I think a very popular example of why Lagrangian mechanics is so useful. So this is why Lagrange basically used the Newton's laws of motion and here the D'Alembert's principle which is just another form of Newton's laws of motion I would say and so he used this to derive equations jo ki purely energy ke terms mein equations of motion derive kar sakte hain kisi bhi particular system ke liye kisi bhi particular object slash particle ke liye and well purely on the basis of energy again Newtonian mechanics mein energy is dekha jaye so sure you use things like work energy theorem but keep in mind that work energy theorem you cannot use it independently on its own considering that ye bhi well Newton's laws of motion से ही डिराइव होते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोर फंडामेंटल दैन दिस एंड इसे हर केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन ढूंढने के लिए नहीं यूज़ कर सकते
यहाँ पे एनर्जीज इन्वॉल्व होती है. यू कैन नॉट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. यू हैव टू ऑलवेज रिजॉर्ट टू एफ इक्वल्स एम ए फॉर दैट. Right, this is why analytical mechanics that is purely based on conceptions of scalars like energy is more useful for complicated systems. How do we really get to that? Well, let's first get to the concept of work. Now, यहाँ पे हम लोग जिस work की बात करेंगे will be called virtual work. क्योंकि आपके पास कोई भी system है तो अगर उसके पास उस सिस्टम के पास कितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है आप उतने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हो विच आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर देखा जाए स्पेसिफिकली तो अगर हम लोगों ने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसिडर किया, एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल के पास तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी. अगर एन पार्टिकल्स है तो थ्री टाइम्स एन, थ्री एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी. एंड यहाँ पे कंसिडरिंग दैट ऑल द पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, लेकिन अगर आपने एम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज कर दिए तो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई. क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स थ्री एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, एम कंस्ट्रेंट्स इम्पोज करने के बाद आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एम अमाउंट से ही चेंज हो गई है. नाउ यू हैव थ्री एन माइनस एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट? सो हियर वी आर कंसिडरिंग दैट वेल, अगर आपने फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखा या फिर कोई भी आइथ पार्टिकल के लिए देखा तो इसका पोजिशन वेक्टर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए सो इट कैन रियली बी अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज अदर पोजिशन वेक्टर्स, राइट? लेकिन सिंस हमें सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन राइट नाउ न्यूटन्स लॉज के साथ ही डील करना है, को इंडिपेंडेंट रखना है, सो इन दैट केस व्हाट वी रियली वॉन्ट टू डू इज इन दैट केस हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चाहते हैं जहाँ पे सारे टर्म्स इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट हो. सो वी कैन यूज सम सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हियर. एक ऐसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वी कैन कंसिडर जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, राइट? सो फॉर एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्मॉल एन, कंसिडरिंग दैट दिस इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये टाइम का भी फंक्शन हो सकता है एंड ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट्स खुद टाइम के जनरल फंक्शंस हो सकते हैं, टाइम के जनरल फंक्शंस इनफैक्ट होते हैं. नाउ यहाँ पे व्हेन यू कंसिडर दीज वेल कोऑर्डिनेट्स, दीज कोऑर्डिनेट्स जो कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं एंड इनके डेरिवेटिव्स, तो ये तो हो गए आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटीज की भी बात होती है विच इज बेसिकली इनका टाइम डेरिवेटिव, टोटल टाइम डेरिवेटिव. ऑल राइट, सो दैट इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी. जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो वहाँ से वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन किया जाता है. हियर वी हैव जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, सो देयर वी हैव अ जनरलाइज्ड वेलोसिटी. ऑल राइट, अब यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया दैट दिस इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे सिस्टम को इन एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करता है, अगर मैंने वर्चुअली सारे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दिया, दिस इज अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, नॉट एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट थ्रू टाइम. व्हाट डज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट रियली मीन? कि मान लो आपके पास यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये सारे पार्टिकल्स हैं एंड वेल यू कैन सर्टेनली रिप्रेजेंट देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स व्हाट एवर सिस्टम यू वॉन्ट टू चूज. अगर मैंने सोचा कि मान लो ये पार्टिकल यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ नहीं है यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ नहीं है यहाँ पे है, ऑल राइट? सो दिस इज नॉट एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कि जैसे टाइम बीत रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. रादर मैंने इमेजिन किया कि अगर ये सिस्टम का कन्फिगरेशन डिफरेंट होता, इट्स नॉट कि एक्चुअली डिफरेंट हो रहा है टाइम के थ्रू कि टाइम चेंज हो रहा है तो कन्फिग्रेशन चेंज कर रहा है. अगर इस सिस्टम का कन्फिग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता, कैसे डिफरेंट होता? कि ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है एंड ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है एंड ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता. सो इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ इमेजिनेशन. तो ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्चुअली वी कैन कंसिडर कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, कि मान लो मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को ऐसे चेंज कर दिया बट नॉट थ्रू टाइम, ओनली वर्चुअली. सो दिस इज रियली अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. ऑल
ऑल राइट. सो इन दैट केस अगर देखा जाए जो वर्क हो सकता है ऑब्वियसली, एंड वॉट इज वर्क इन द फर्स्ट प्लेस. वेल वर्क को हाउ डू रियली डिफाइन दैट, इट इज सम, इट कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है तब यहाँ पे एक इंटीग्रल यूज होता है. बट वॉट इज वर्क फंडामेंटली, वेल इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू सम ऑब्जेक्ट, दैट इज वॉट वर्क रियली डज. अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है कोई वर्क नहीं हो रहा. And this is why work energy theorem, I believe, is more fundamental than the definition, than this integral of F dot ds definition of work itself. So I believe ki work energy theorem is more fundamental than that, because it actually speaks about what is physically happening. कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ऑल राइट. अगर कोई फील्ड वर्क कर रहा है एंड दैट इज द ओनली थिंग हैपनिंग, तो वहां से सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी निकाल के स्टोर भी कर सकते हैं, दैट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पे ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, और कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, कंसिडरिंग वी आर नॉट कंसिडरिंग अ डिस्प्लेसमेंट थ्रू टाइम, दिस इज ओनली अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. इफ आई वर टू स्पीक ऑफ अ वर्चुअल वर्क, अगर मैं एक वर्चुअल वर्क की बात करता हूँ, हाउ दैट गो. सो यहाँ पे वर्चुअल वर्क करने के लिए पहली चीज, वी नो दैट दिस इज यूजुअली हाउ वी कैलकुलेट वर्क, राइट. अब यहाँ पे इसकी जगह लेट मी राइट इट आ. सो अगर मैंने सारे पार्टिकल्स की बात की तो टोटल वर्क कितना हो जाता अगर ये एक्चुअली डिस्प्लेस होते तो. वेल इट वुड गो लाइक द इंटीग्रल ऑफ सम ओवर ऑल आई पार्टिकल्स Fi dot dri. Is that how it would go? But actually we really need not use the integral right here. Integral क्यों use नहीं करना है, क्योंकि well हम लोग एक virtual displacement की बात करें, forces of constraint actually change नहीं होंगे, right? So the force is pretty much constant right there, considering कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑकर हो रहे हैं वो एक्चुअली कंसिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट्स हैं विद द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट एक ऑब्जेक्ट को, एक स्ट्रिंग इधर खींच रहा है एंड मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया, दैट माइट बी पॉसिबल. लेकिन जहाँ से ये स्ट्रिंग खींच रहा है एंड इट डजेंट वॉन्ट टू बेसिकली लेट द पार्टिकल गो विदाउट द विदाउट लेटिंग द स्ट्रिंग ब्रेक, इस पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर ही नहीं सकता हूँ. सो दैट इज रियली द केस राइट हियर. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अगर इसी चीज़ को मैं इलस्ट्रेट करूँ, यू हैव दिस पेंडुलम, तो इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैं इस डायरेक्शन में कंसिडर कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में कंसिडर किया जा सकता है. सो दैट इज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे कौन कौन से वेल फोर्सेज एक्ट कर सकती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज एंड फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट. वर्चुअल वर्क की मैंने बात की, ऑब्वियसली इंटीग्रल साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड सिंस इनफाइनिटिसिमल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इट इज़ रियली अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने डी आर आई यहाँ पे लिखा, दैट वुड रियली स्पीक मोर ऑफ कि एक एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. So we are not considering that. एक virtual displacement and ith particle के virtual displacement को मैं delta ri से represent करूँगा. Now since we are really working in terms of Cartesian coordinates, so we can really modify it. जो virtual work होगा particle i पे, that will be fi dot delta ri. So total virtual work on all the system would go something like सारे i का summation, right? Now what we can really do right here is कि हम लोग इस डेल्टा आर आई को एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा क्यू आई के टर्म्स में. What does that mean? What that means is कि आप कंसिडर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आर आई इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द क्यू आई, राइट, और ऑल द क्यू के. यहाँ पे एक डिफरेंट सब्सक्रिप्ट कंसिडर करना ज़रूरी है इफ़ यू नो रियली हाउ दीज नोटेशंस वर्क. सो Otherwise, how they really work, that really deserves a video on its own. So we may talk about that later, but for now I am assuming कि you do know, अगर मैंने यहाँ पे इसे आर आई लिखा है, really need to use a different subscript when I am referring to QI. Even despite that, हो सकता है ऐसा भी केस हो, they have the same number of coordinates, all right? But that is generally not the case. So how does this basically relate to this particular set of generalized coordinate, considering it is directly a function of all the generalized coordinates? So yahan pe jo displacement
वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर आई हो जाएगा. हाउ फास्ट दिस आर आई चेंजेस व्हेन अ पर्टिकुलर क्यू के चेंजेस टाइम्स में हो गया, हाउ मच द क्यू के चेंजेस. सो आई थिंक दैट इज बेसिक कैलकुलस. लेकिन सिंस सिर्फ एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है जिस पे आर आई डिपेंड कर रहा है, दिस इज रियली अ सम ओवर ऑल सच के. सो हाउ फास्ट ये वाला कोऑर्डिनेट, हाउ फास्ट दिस कोऑर्डिनेट चेंजेस व्हेन दिस वन कोऑर्डिनेट चेंजेस टाइम्स हाउ मच दैट कोऑर्डिनेट चेंजेस एंड यू सम दैट अप फॉर ऑल द वेल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यू हैव, तो आपको पता चलेगा कि इनके वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कितना ये डिस्प्लेस होगा. तो वी कैन रिप्लेस दैट राइट हियर, दिस इज द सम ओवर ऑल आई एफ आई डॉट में यहाँ पे हो गया सम ओवर ऑल के, यहाँ पे हो गया डेरिवेटिव ऑफ आर आई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्यू के एंड दिस इज रियली अ पार्शियल डेरिवेटिव एंड टाइम्स में डेल्टा क्यू के हो गया. ऑल राइट, सो दिस इज द वर्चुअल वर्क. Now, this is the virtual work we got right here. Forces मैंने बताया था दो हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो external forces and दूसरे force of constraint. One thing I'll remind you again, all right? So one thing I'll remind you at this point कि अभी तक हम लोगों ने कहीं पे ये assumption use नहीं किया है कि सारे coordinates generalized coordinates independent होंगे. Although I told you that we mostly consider set of coordinates generalized coordinates जो कि एक दूसरे के independent होंगे, but अभी तक ये assumption मैंने कहीं पे इसमें use नहीं किया. So you need to keep that in mind and that really comes in the final step जब हम लोग Lagrange equations derive करते हैं. And at this point हम लोग ऐसा भी consider कर सकते हैं that this is dependent on this or this is dependent on some other generalized coordinate, that can be considered and nothing that we have written will actually change considering हम लोगों ने ये assumption कहीं use किया नहीं है. So we are still considering a more general case right here where they might be dependent on each other or they might not be. All right, so अब मैं forces को दो part में break कर सकता हूँ, एक जो externally applied forces हैं and दूसरे हो गए जो forces of constraint. Externally applied forces plus में forces of constraint जिसे मैं small vector f से लिखता हूँ. All right, तो अब ये जो virtual work हो गया, this is really the sum over all I particles and the externally applied forces dot this entire thing. प्लस में आपका हो गया दिस फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स डॉट दिस एंटायर थिंग राइट हियर, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू. एंड यहाँ पे अब हम लोग एक असम्पशन लेंगे कि फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से कोई वर्चुअल वर्क नहीं हो सकता. कंसिडरिंग यहाँ पे एक एग्जांपल, दिस इज रियली नाइस एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैंने इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया तो मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन में कंसिडर किया, मैं इसके परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकता हूँ, क्या मैं इसे इस डायरेक्शन में कंसिडर कर सकता हूँ. सो दिस वुड बी द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक नॉन जीरो डॉट प्रोडक्ट, सो दैट सर्टनली कुड डू वर्क, बट इट डजंट क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता. राइट, ये पार्टिकल अगर ये इसे यहाँ से खींच रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा नहीं प्रोवाइडेड कि ये स्ट्रिंग नहीं टूट रही है, ये पार्टिकल सिर्फ इसके परपेंडिकुलर जा सकता है. So we see in this particular case that the force of constraint times a delta ri, let's call this f1 dot delta ri1, ye is case mein zero hoga. All right, we can clearly see that is case mein zero hoga. In other cases where it might be the case, jaise ek pulley ke case mein, outward machine. All right, तो एक ऐसा अगर हम लोग केस कंसिडर करते हैं, सो वी आर क्लियरली सीइंग कि ये तो नीचे जा रहे हैं एंड ये ऊपर जा रहे, जब ये मास अगर ऊपर जाएगा तो टेंशन ऊपर है, विच इज़ रियली अ फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, एंड ये इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही या नीचे ही कंसिडर किए जाएंगे. सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर इन दिस केस. इस केस में तब सर्टेनली प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से वर्क होना चाहिए. एक्चुअली नो, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो नीचे आएगा, एंड जितने अमाउंट से ये ऊपर जाएगा उतने अमाउंट से ये नीचे आएगा. सो यहाँ पे if you really want to consider a generalized coordinate, matlab ye 2 meter upar gaya, ye 2 meter niche gaya, all right, not through time, virtually. To isme jitni tension hai isme bhi utni hi tension hai,
मतलब यहाँ से जितना वर्क हुआ यहाँ से वर्चुअल वर्क कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो सम होगा अगर ये पूरा सम करोगे और ऑल पार्टिकल्स, सो दैट विल रियली लीड यू टू जीरो वर्चुअल वर्क बाय द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी जा सकती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल रियली हेल्प यू थ्रू दिस। तो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस असम्पशन को सपोर्ट करने के लिए। पहला, दैट द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट आर ऑफन परपेंडिकुलर टू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दैट यू कैन कॉज, एंड इन केस व्हेन दे आर नॉट इवन परपेंडिकुलर, कंसिडरिंग ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ये ऑफन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से कोई वर्क नहीं कर सकते। दैट इज ऑफन द केस, नॉट ऑलवेज, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट ऑलवेज वाला केस। अगर फ्रिक्शन है सो इट डजेंट वर्क दैट वे, फ्रिक्शन के केस में डजेंट वर्क दैट वे। बट वॉट वी कैन ऑल्सो डू इज कि अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्सेज एनकाउंटर कर सकते हैं, सो आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर थिंग, उसके लिए हम लोग कुछ सेपरेट फंक्शंस ला सकते हैं, जिसे डिसिपेटिव फंक्शंस कहते हैं, टू रियली सॉल्व इन फॉर दैट। ऑल राइट, तो फॉर नाउ वी आर जस्ट मेकिंग द असम्पशन दैट दे डू नो वर्क। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं दे आर द फोर्सेज विच एक्चुअली डू ऑल द वर्क दैट कैन बी डन। All right. So this is what we are really getting right here. This is the virtual work. अब एक चीज अगर देखो, एक चीज अगर नोटिस करो, सिंस द वर्क रियली पुट्स इन सम काइनेटिक एनर्जी टू द सिस्टम, एंड नाउ यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ, is can the virtual work actually add some kinetic energy to the system? कि अगर ये बिना time के through move किए, it doesn't really move through time, of course considering the displacement virtually, can a work actually be done on the system? Well, the obvious answer is no. यहाँ पे system पे कोई work नहीं हो सकता है, the virtual work is essentially zero, क्योंकि work होने के लिए उस system की kinetic energy increase करनी पड़ेगी, या फिर kinetic energy उस system की decrease होगी and कहीं ना कहीं store हो जाएगी, या फिर जहाँ पे जो forces work करें उनके field में से stored energy इसमें input होगी as the increase in kinetic energy. But for that to happen, there really needs time to be passed. Time जैसे pass होता है and then this entire process happens, this is a continuous process through time, and it is really dependent on time, despite that the work energy theorem doesn't really involve time itself as a function or a parameter. But for work to happen, time really needs to pass, and this everything that is happening virtually will really tell you ki yahan pe jo total work hona chahiye wo to zero hona chahiye, and that is really what should happen, right? तो वॉट यू कैन से इन दैट केस कि ये जो एंटायर थिंग होगा, प्रोवाइडेड दैट हम लोग वर्चुअल वर्क ही करें, नॉट प्रोवाइडेड दैट हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स ही करें, नॉट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दिस एंटायर थिंग शुड बी जीरो। सो दिस दैट यू राइट, दिस टर्म शुड रियली जीरो। अभी मैं इसे डेल्टा आर आई के टर्म्स में ही लिख रहा हूँ, and this is really what principle of virtual work is. Yahan pe external forces consider ho rahe hain, all right, so we are considering only external forces, and this is the principle of virtual work, nothing more. Yahan pe maine delta ri ke terms mein hi likha hai. If you want you can choose different generalized coordinates, lekin agar for instance is example mein dekho, so you can certainly see ke is example mein agar main dekhu, सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रुथफुली स्पीकिंग, कि अगर यहाँ पे ये एक्स ऊपर जाते तो ये भी एक्स नीचे जाएगा, इनके मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इस कंस्ट्रेंट है इस स्ट्रिंग की कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज़ कंस्ट्रेंट। तो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड दैट ये इधर उधर ये राइट या लेफ्ट मूव नहीं करें, इसके पास ओरिजिनली दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, इसके पास दो डिग्री, एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आया विच टाइज टुगेदर द टू ब्लॉक्स, जिसकी वजह से अब इसके पास एक डिग्री ऑफ इसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर डायरेक्शन का मोशन, सो टोटल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अब बच गई, राइट? सो
डिस्पाइट यहाँ पे सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड वी आर नॉट देन वर्किंग इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, वी कैन स्टिल रियली यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इन दिस केस एंड सॉल्व फॉर एवरीथिंग, राइट? वी कैन स्टिल डू इट. सो इन दैट केस वी कैन रियली सी एंड वी कैन सी हाउ दैट रियली हैपेंस. यहाँ पे अगर ये 2 meter ऊपर जाते हैं, वी क्लियरली नो ये भी 2 meter नीचे जाएगा. सो इट दिस इज टी टाइम्स में 2 हो गया एंड यहाँ पे प्लस टी टाइम्स में -2 देर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 एंड दैट रियली फॉलोज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एज वेल. सो दैट इज द प्रिंसिपल राइट है. मैंने अभी डेल्टा आर आई के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया, इससे एज वेल इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू के टर्म्स में किया जा सकते हैं, विच विल शॉर्टली मे बी वी डूइंग. बट आवर मेन इंटरेस्ट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इटसेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिक सिस्टम्स की ही बात करता है, सिस्टम्स जिनमें टाइम के थ्रू कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो स्टैटिक सिस्टम्स एंड वहाँ पे वर्चुअली चीज़ों को डिस्प्लेस कर दिए, सो दैट इज़ वेर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क्स एक्ट. वर्चुअल वर्क एक्चुअली हेल्प्स यू इन सॉल्विंग सर्टेन केसेस ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कोई पुली का प्रॉब्लम इफ़ यू हैव इट कॉम्प्लिकेटेड इनफ, या एक इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड दैट द एंटायर सिस्टम इज स्टैटिक, टाइम के थ्रू कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इट कैन एक्चुअली गिव यू प्लेंटी ऑफ यूजफुल रिजल्ट्स. आई विल ट्राई मे बी शोइंग यू इन सम अदर वीडियो हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स, बट दिस इज अ रियली अ स्टैटिक इक्वेशन, हमें एक डायनेमिक इक्वेशन चाहिए. सो फॉर विच वी रियली नीड वॉट इज कॉल्ड द डी एलम्बर्स प्रिंसिपल. नाउ फॉर दैट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट and rub all of it and then we proceed further with the next principle. Alright, now we're back once again. अब अगर आप एक particle consider करते हो या फिर obviously कई सारे particles we have, maybe a number of particles whatsoever. So यहाँ पे देखा जाए तो उस पर मान लो forces exert हो रहे हैं and they may be constrained forces of the system and they may be external forces. तब उसका मोमेंटम चेंज होता है एंड वी नो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट फॉर अ फोर्स एफ आई एक्टिंग ऑन द आइथ पार्टिकल उसका मोमेंटम चेंज होगा सच दैट द फोर्स इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंटम ऑफ द आइथ पार्टिकल, राइट? टाइम डेरिवेटिव. सो द फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. सो दिस इज रियली वॉट अ डायनेमिक इक्वेशन इज, कि एक्चुअल में सिस्टम की डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करता है. सो वॉट डी एलम्बर सेट इज दिस, के मान लो मैंने पी आई को इस साइड ऑफ द इक्वेशन पे कंसिडर किया एंड आई राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म दैट एफ आई वैक्टर माइनस पी आई वैक्टर डॉट इक्वल्स 0. अगर मैंने इस इक्वेशन को कंसिडर किया, सो वॉट डज दिस टेल मी, कंसिडरिंग दैट दिस मे वेरी वेल बी वन न्यूटन सेकेंड लॉ इट सेल्फ, कि अगर एक पार्टिकल पे एक फोर्स एफ आई एक्ट करता है and so that really gives it this time derivative of velocity that given by that. तो अगर मैंने इससे time derivative of velocity subtract कर दिया then I get 0. इसका एक interpretation हो सकता है कि अगर एक particle पर ये force act कर रहा है एंड एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्ट करिए, मतलब उसी पार्टिकल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट कर रही है, कंसिडरिंग दैट इट इज़ गिवन बाई द, कि अगर सिर्फ ये फर्स्ट फोर्स सोली एक्ट करती, ऑलराइट, सिर्फ सोली ये फर्स्ट फोर्स एक्ट करती तो जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता उस मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को हर टाइम इंस्टेंट पे हम लोगों ने कंसिडर किया एंड देन उसी मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करा दी तो ये सिस्टम का 0 एक्सेलरेशन होगा, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, राइट? सो दिस माइट, यू माइट कंसिडर दैट द नेट फोर्स इज 0 काइंड ऑफ इक्वेशन. डिस्पाइट दैट ये फिर भी डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा फॉर अ स्टैटिक सिस्टम, बट यू कैन ऑलवेज रीअरेंज द टर्म्स, राइट? कि इसको इधर कर दो एंड दिस इज नॉट अ डायनेमिक सिस्टम. सो वी रियली आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस डायनेमिक सिस्टम इन टू अ सिस्टम दैट हैज one equation that would explain a static system, and then what we can do is then we can sum this up over all the particles by first multiplying it by virtual displacement, kyunki ab to ek static system ban gaya, right? Agar maine inhe virtual displacement se multiply kar diya and over all particles sum kar diya, this is the term we have now. Right, this is what we have right now and this is what really D'Alembert's principle is. So you are considering the principle of virtual work in this form that really explains in static form a dynamic system.
Now, one thing that I might be mistaken right here, कि या तो इसे DLMS principle बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं, so I might confuse with the names right here, but both are pretty equivalent, क्योंकि इसका purpose ही ये है कि principle of virtual work को एक use किया जाए एक dynamic system को explain करने के लिए, so I am considering कि यही DLMS principle है. But the names are not going to matter much to us. Anyway, क्योंकि इसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे Lagrange equations, which are really the equations जिनसे आप equations of motion derive करते हो किसी भी system के लिए without using Newton's laws. Despite that, we are really using Newton's laws to derive the DLMS principle, which we'll use to derive Lagrange equation. And I think that is pretty much this for this particular video, considering हम लोगों ने principle of virtual work, DLMS principle दोनों explain कर दिए, and then in the future video we are going to be using this to derive Lagrange equation. I'll end the video at this point. The one thing that you can always do is कि इस चीज़ को generalized coordinate में लिख सकते हो, which is really of no interest to us right now. It is of no interest to us right now to express it in generalized coordinates. You can write it in any system of coordinates. The equations always hold that way. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.